मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में विभिन्न देशों में कार्यरत भारत के 7 राजदूतों ने मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री और राजदूतों के मध्य विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राज्य के वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोजेक्ट को विभिन्न देशों में बढ़ावा देने के लिए राजदूतों से सहयोग लिया जाएगा। उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को लोगों को विभिन्न देशों में जानकारी हो, इसके लिए और प्रयासों की जरूरत है। उन्होंने कहा, उत्तराखंड में पर्यटन उद्योग हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में अनेक संभावनाएं हैं, इनको बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने सभी राजदूतों से कहा कि जिन देशों में वे कार्य कर रहे हैं, देशों की बेस्ट प्रैक्टिस की जानकारी उत्तराखंड शासन के अधिकारियों को दी जाए। सीएम ने शासन के अधिकारियों को निर्देश दिए कि आज और कल राजदूतों के साथ विभिन्न विषयों पर होने वाली बैठकों में जो भी सुझाव प्राप्त होते हैं, उनका पूरा डॉक्यूमेंटेशन किया जाए। उत्तराखंड को उत्कृष्ट उत्तराखंड बनाने के लिए इन सुझावों को अमल में लाकर कार्ययोजना बनाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए हैं। वहीं सीएम ने कहा कि राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी का तेजी से प्रसार हो रहा है। उन्होंने राजदूतों को सुझाव दिया कि राज्य में विभिन्न उत्पादों की जानकारी, टूरिज्म, स्थानीय कल्चर और सांस्कृतिक विरासत से संबंधित जानकारी के लिए विभिन्न देशों से लोग उत्तराखंड आना चाहते हैं, तो इसकी भी जानकारी दी जाए। देवभूमि उत्तराखंड में सबका स्वागत किया जाएगा और हर संभव सहयोग दिया जाएगा। उत्तराखंड से रेजिडेंट एडिटर अग्निश जैन की रिपोर्ट। आज 7 देशों के राजदूत आए थे, उनके साथ यहाँ पर हम लोगों ने विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की है कि उत्तराखंड राज्य के साथ किस प्रकार से वो समन्वय कर सकते हैं, किस प्रकार से हमारे यहाँ की कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, तमाम शिक्षा, चिकित्सा व्यवस्था, उन सभी को, और जो वन डिस्ट्रिक्ट वन टू प्रोजेक्ट हमारी योजना है, उस योजना को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, उन सब पर चर्चा हुई है। साथ ही साथ यह भी चर्चा हुई है कि अपने देशों के जो उनकी बेस्ट प्रैक्टिस है, उनको भी हमारे राज्य के अधिकारियों के साथ साझा करें, और साझा करके उत्तराखंड में हम उसको किस प्रकार से लागू कर सकते हैं, किस प्रकार से उत्तराखंड के उन्नयन, उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में उनका हम किस प्रकार से सहयोग ले सकते हैं, परस्पर इन राष्ट्रों के साथ मिलकर हम उत्तराखंड को, जो हमारा संकल्प है हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाना, उसमें हमने उन सबसे सहयोग की अपेक्षा की है, और उन्होंने भी मुझे पूरा भरोसा दिया है कि ये प्रक्रिया केवल औपचारिक न होकर सतत रूप से आगे चलेगी।